नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जीके विद अमित में। जब टीजीटी आर्ट्स कमीशन पोस्ट कोड 795 का जो फाइनल रिजल्ट निकला था, उसमें मैंने कहा था कि बहुत जल्द जो हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बहुत से तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टीजीटी आर्ट्स कमीशन में मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। इसके साथ साथ जो टीजीटी कमीशन का सिलेबस होता है, उसकी आप आगामी तैयारी किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो इसमें बिल्कुल क्लोज मार्जिन से मैं बाहर हुआ हूं जनरल ओपन में, जिसमें क्या कारण रहे हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अदर स्ट्रीम के कैंडिडेट नॉन मेडिकल, मेडिकल, LT, अगर वो भी चाहते हैं कि उनकी ऑफिशियली मिनिमम कट ऑफ के बारे में उनको पता चले तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस चैनल को जो है और ग्रो कर सकें। सबसे पहले हम ऑफिशियली जो फाइनल कट ऑफ रही है उसकी बात करते हैं। आई होप सभी को इसके बारे में पता होगा। जो फाइनल कट ऑफ रही है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में हमने जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बनाई थी रिजल्ट के टाइम, उसमें जो मिनिमम कट ऑफ रही होती है उसका एग्जैक्ट पता हमें नहीं होता है, क्योंकि ऑफिशियली उसकी अपडेट नहीं आती है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल क्लोज मार्जिन रहा है। हम जनरल ओपन की बात करें तो बिल्कुल मिनिमम चेंजिंग इसमें हुई है, क्योंकि इस साल जो है जो EWS है वो भी एक कैटेगरी है और उसका प्रभाव जो यहाँ पर देखने को मिला है। जो लास्ट ईयर 2 कमीशन की कट ऑफ थी उससे जो है लगभग 101 मार्क्स जो है यहाँ पर आप जो है इस बार कट ऑफ रही है जनरल ओपन की। 2018 में लगभग सेम पोस्ट थी जनरल ओपन में 112 के करीब, और उस टाइम 7.49 का गैप था और इस टाइम जो है 8.62 का गैप है। अदर कैटेगरीज की भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जनरल EWS लगभग सेम है जो बताई थी, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है सभी में पॉइंट का फ़र्क है, लगभग बाकी सभी सेम हैं। हम STBPL की बात करें तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट वहाँ पर हुआ है, क्योंकि जो STBPL है उसमें हर बार जो है ज़्यादा कट ऑफ रहती है, बट इस बार जो है SC BPL में जो ये फ़र्क देखने को मिला है। जो BPL कैटेगरी है वो एक सब कैटेगरी है, क्योंकि जो सब कैटेगरी है वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, और जो EWS है वो एक कैटेगरी है, तब जो है वो जनरल ओपन में ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण जो है ये रिफ्लेक्ट हमें देखने को मिलता है जो जनरल ओपन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ओपन कैटेगरी हैं अदर रिजर्व कैटेगरी की, वो भी जो उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। ये कंपैरिजन हमने इसलिए किया क्योंकि जब स्क्रीनिंग रिजल्ट निकलता है तो बहुत से यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, चाहे उनको जानकारी हो या फिर नहीं हो। तो ये जो हमने मेहनत करी है उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो ऑफिशियली मिनिमम कट ऑफ रही है पोस्ट कोड 795 की, ये भी हमने काफ़ी मेहनत से निकाली है। इसमें लगभग आपको सभी कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ रही है उसकी आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। इसमें 99% जो है राइट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम जनरल ओपन देखते हैं। जब स्क्रीनिंग रिजल्ट निकला था तो कोई 45 बता रहा था, कोई 44.5 बता रहा था, बट जो इसकी ऑफिशियली मिनिमम कट ऑफ है वो 44.00 है। मीन्स 44 जो इसकी मिनिमम कट ऑफ है। हम EWS की बात करें तो इसकी जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 42.50 जो है मिनिमम कट ऑफ इसमें रही है, और जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 49.07 इसमें फाइनल कट ऑफ रही है। आगे हम जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इसमें जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 36 रही है, और जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 43.61 रही है। आगे हम OBC कैटेगरी को देखते हैं। OBC ओपन की बात करें तो इसमें जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 41 रही है, और जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 47.16 इसमें रही है। OBC BPL की बात करें तो इसमें जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 35.50 रही है, और फाइनल कट ऑफ जो है 45.87 इसमें रही है। OBC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 31.50 इसमें मिनिमम रही है, और 35.05 जो इसमें फाइनल कट ऑफ रही है। आगे हम SC कैटेगरी को देखते हैं। SC ओपन की बात करें तो SC ओपन में जो है 40.50 जो है मिनिमम कट ऑफ रही है, जो ऑफिशियल है, जो इसकी फाइनल कट ऑफ रही है वह 46.95 रही है। SC BPL की बात करें तो 38.50 इसकी मिनिमम कट ऑफ रही है, और फाइनल कट ऑफ 47.45 इसमें रही है। ये जो है जो ओपन है उससे ज़्यादा है। आगे हम SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो उसमें दो पोस्टें थी और दोनों जो है इसमें वेकेंट रही हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बचती है ST ओपन और STBPL। ST ओपन में जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 44 रही है जनरल ओपन के बराबर,
बट इसकी जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 49.71 रही है। जनरल ओपन एक ओपन कैटेगरी है जिसमें कोई भी कैटेगरी शिफ्ट हो जाती है जो ओपन हो, बट एसटी ओपन में सिर्फ एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं तभी जो ये रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है 49.71 है। एसटी बीपीएल की बात करें तो इसकी जो मिनिमम कट ऑफ रही है वो 38 रही है और जो फाइनल कट ऑफ रही है वो 44.30 रही है। बहुत से कैंडिडेट बेटिंग पैनल में रखे गए हैं जिसमें मेरा नाम भी है, तो कितने चांस हैं कि बेटिंग पैनल से जो फाइनल कट ऑफ है उसमें नंबर पड़े, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ के बिना जो है ये चैनल चलाना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।